हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जोजो स्वीट लाइफ। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जोजो स्वीट लाइफ में। तो दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे सारे व्यूवर्स को एंड सब्सक्राइबर्स को भी। एंड दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक्स एंड कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ चंदेश्वरी माँ के दर्शन करने अपने फैमिली के साथ, जो कि भंडारा जिले के मोहड़ी गाँव में स्थित है। अब मैं तुलसर से निकल रही हूँ मोहड़ी के लिए, जहाँ पे मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो क्यों ना मैंने सोचा आपको भी मैं देवी माँ के दर्शन करा दूँ। तो दोस्तों, चलते हैं एंड वहीं पे मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं अभी निकल गई हूँ अपने फैमिली के साथ देवी माँ के दर्शन के लिए। जस्ट हम 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे और मैं आपको वहीं पे कैच करती हूँ एंड मैं आपको कुछ व्यूज भी दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, गांव साइड में कितनी हरियाली रहती है, ऐसी हरियाली हमें सिटी में नहीं दिखाई देती। नवरात्र होने की वजह से हो सकती है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो, एंड नवरात्र में वहाँ भीड़ रहती है हर साल, इस साल भी ज़रूर रहेगी। भले ही क्वारंटाइन का एंड कोरोना का टाइम हो, बट लोग दर्शन के लिए आते ही हैं भक्तगण। देखिए, आपसे यही से व्यू दिख रहा होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, ये एक नदी है दोस्तों, जो चंदेश्वरी देवी माँ के नाम से पहचानी जाती है मोहड़ी में इसकी। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी भी गांव की औरतें नदी में जाके कपड़े धोती हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां नहा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज माय फैमिली। पता नहीं, मुझे तो दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट सूर्य की किरणें मेरे आइस पे आ रही है, बट आप सबको देख पा रहे होंगे। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग होती है बहुत सारे शॉप्स की,
यहाँ पे हर नवरात्रि में आपको अलग अलग तरह के शॉप्स दिखेंगे, जहाँ पे देवी के पूजा का सामान, छोटे बच्चों के खिलौने एंड अलग अलग वेराइटीज के शॉप्स रहते हैं। आप यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए पॉपकॉर्न्स, एवरीथिंग इज हियर। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं जहाँ पे हमने कार पार्क की थी, एंड पार्किंग एरिया आउटसाइड ही रहता है थोड़ा मंदिर से, तो हमें यहाँ से थोड़ा 5 मिनट चल के जाना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने सारे अलग अलग वेराइटीज के खिलौने भी रखे हुए छोटे बच्चों के, एंड कुछ किचन का सामान भी है। लड्डू काफी एक्साइटेड है खिलौने लेने के लिए, वो जो भी शॉप दिख रही है बस वहां से खिलौने खरीदने के लिए बोल रहा है। वो देखिए उसे हर एक चीज चाहिए, बट अभी हम फिलहाल नहीं लेंगे, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद फिर हम उसे खिलौने लेके देंगे। ये देखिए दोस्तों देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ शॉप्स, यू कैन शॉप एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। दोस्तों नवरात्रि में दर्शन करने का, मंदिर में जाके दर्शन करने का मजा ही कुछ और रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है एंड एक अलग ही फीलिंग आती है जो कि बाकी टाइम कभी नहीं आती, बट ऐसा लगता है कि मन बहुत खुश हो जाता है ऐसे नवरात्रि में जाके दर्शन करके। ये देखिए दोस्तों उस चिता से उठता तो होंगे आपके प्यार का ही होगा। ये देखिए दोस्तों रंगोली, दोस्तों मैं पिछले 7-8 साल से मुंबई में हूँ बट मैंने कभी वहाँ पे सिंगाड़ा नहीं देखा। ये देखिए गांव में सिंगाड़ा इस तरह से मिलता है एंड मुझे काफ़ी पसंद है, बट ये हम मुंबई जैसे सिटी में तो मैं आज तक नहीं ढूंढ पाई हूँ। देखिए दोस्तों ये मंदिर है, अभी मैं मंदिर के बाहर खड़ी हूँ, अभी हम अंदर जाएंगे। ये देखिए दोस्तों ये आउटसाइड व्यू है मंदिर का एंड दिस इज द एंट्रेंस गेट। तो कितनी अलग अलग वेराइटीज की चुंदरिया है, कितनी सुंदर दिख रही है एंड फूल, प्रसाद, नारियल। ये देखिए दोस्तों पूजा की थाली तैयार हो गई है, आंटी ने यहाँ पे फूल, पान, सुपारी, नारियल और चुंदरी भी दी है। महेश्वरी देवी माँ की स्टोरी ऐसी है जैसे कि मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ, मेरी मम्मी भी यही की है, एक्चुअली उनका मायका मोहड़ी का ही है, तो वो भी मुझे बताते थे कि चंदेश्वरी माँ स्वप्रकट है एंड वो बहुत बड़ी थी जब वो निकली थी जमीन के अंदर से, एंड वो बस एक छोटे से पेड़ के नीचे थी एंड उसके बाद फिर ये मंदिर का निर्माण हुआ एंड बाजू से नदी भी बहती है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड चलिए अभी जाते हैं हम मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। दोस्तों ये है आउटसाइड मंदिर का एंड देखिए आपको सामने गेट दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से एंट्रेंस करते हैं। एंड दोस्तों जहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड की गाड़ी देख रहे हैं बस उसके बगल में ही पीछे में नदी बहती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर के अंदर से। तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं, बहुत ही मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं खुद बहुत सालों बाद आई थिंक दर्शन के लिए आई हूँ। ये देखिए दोस्तों चंदेश्वरी माँ ऐसे दिखती है। ये देखिए दोस्तों इनसाइड व्यू,
ये मंदिर के अंदर का गार्डन है दोस्तों, इसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। मैं सामने से दिखा रही हूँ एंड ऊपर जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कितना अच्छा है। एंड दोस्तों जब रात में इसमें लाइट ऑन करते हैं तो ये देखने का नज़ारा बहुत ही अलग रहता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। ये देखिए दोस्तों, आपको यही से ये एंट्रेंस है मंदिर के अंदर का। एंड अंदर फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको देवी माँ के दर्शन कराने की। देवी माँ के दर्शन यहीं से होते हैं दोस्तों, वैसे आपको यहीं से दिख रही होगी देवी माँ, होप सो। तो दोस्तों ये इनसाइड व्यू है मंदिर के अंदर का, आप देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा भीड़ नहीं है, मैं तो सोच रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी बट नहीं है। एंड दोस्तों कुछ साल में अभी ये मंदिर जस्ट बहुत काफ़ी डेवलप हुआ है, पहले बहुत छोटा था। एंड जैसे कि देख सकते हैं अभी यहाँ पे बहुत कुछ डेवलप किया गया है, वो देखिए। दोस्तों मैं दर्शन करने जा रही हूँ अंदर, सो देखती हूँ अलाउड है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से सजाया हुआ है एंट्रेंस को भी, आप देख सकते हैं। ये है इनसाइड व्यू मंदिर के अंदर का, कितने सुंदर कारीगरी की हुई है। मैं आपको इसको पास से दिखाऊंगी, ये देखिए गरबा करते हुए यहाँ पे कारीगरी कई हुए हैं। प्यास से देख सकते होंगे कितनी बड़ी मूर्ति है। एंड दोस्तों ये पूरी नहीं निकली हुई है जमीन के अंदर से, मैंने सुना है कि ये इनका सिर्फ सिर ही बाहर निकला है, क्योंकि अगर ये पूरी निकल जाती तो लोग डर जाते, उसके वजह से देवी माँ वहीं पे रुक गई बोलते हैं। देखिए दोस्तों मैं कोशिश कर रही हूँ आपको पूरा दिखाने की, इस तरह से सेट किया गया है ताकि एक साइड से लोग जा सके, एक साइड से लेडीज एंड एक साइड से जेंट्स के लिए। एंड ये देखिए दोस्तों यहाँ पे और कुछ भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, से आई थिंक वो श्री कृष्ण भगवान की है, वो मैं आपको पास से जाके दिखाती हूँ। ये देखिए श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति एंड राधा, एंड इसके बगल में ही है श्री राम लक्ष्मण एंड सीता जी की। देखिए दोस्तों अभी मैं क्यू में खड़ी हो गई हूँ, अभी मैं थोड़ा एक दो मिनट वेट करूँगी देवी माँ के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे नवरात्रि में देवी माँ को पूरी तरह से सजाया जाता है, उन्हें सोने चांदी से अच्छी तरह से सजाया जाता है एंड वो 9 दिन के लिए आई थिंक मे बी, बट उतना मुझे नहीं पता। ये देखिए दोस्तों जस्ट मैंने अभी बाहर पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वीडियो शूटिंग अलाउ है, तो मैं कर रही हूँ, अगर नहीं रहता तो मैं नहीं कर पाती। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आपको देवी माँ के दर्शन करा पा रही हूँ मेरे चैनल थ्रू। एंड दोस्तों यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है, एंड फिर मन्नत पूरी होने के बाद कुछ लोग यहाँ पे आते हैं अपनी मन्नत पूरी होने के बाद, एंड जो भी वो प्रॉमिस करते हैं देवी से वो पूरा करते हैं। देवी माँ की आइस कितनी बड़ी है, उन्हें अच्छे तरीके से श्रृंगार किया गया है।
एक छोटा सा मुकुट है एंड उन्हें ज्वेलरी से सजाया गया है अच्छे अच्छे गहनों से, एंड उनके नाक में एक बड़ी सी नथनी है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी धीरे धीरे भक्तगण दर्शन के लिए आ रहे हैं। This is the full view of Chandeshwari Maa temple. देखिए दोस्तों, दूसरे साइड में भी यहाँ पे भगवान है, जिसे आप गणपति जी को देख सकते होंगे। देखिए दर्शन हो गए हैं। मैंने अभी पंडित जी से पूछा कि आप व्यूवर्स को कुछ बताएंगे देवी माँ के बारे में, तो उन्होंने मना कर दिया बताने से, एंड दिस इज़ नॉट राइट, बट इट्स ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया वैसी कुछ स्टोरी है, एंड मैं कुछ और आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों ये हनुमान जी की मूर्ति है, देखिए कितने सुंदर और आकर्षक लग रही है। एंड दोस्तों आप ये जो पेड़ की जटा देख रहे हैं, जब मैं छोटी थी तब मैं यहाँ पे आया करती थी, तो यहाँ पे शिव शंकर जी की मूर्ति थी, जो कि अभी डेवलपमेंट हो गया है मंदिर का, तो उससे थोड़ा कट करके पेड़ को एंड मूर्ति को इस साइड में भी बैठाया गया है। लुक एट दिस गाइस, दिस इज अ गार्डन व्यू ऑफ मंदिर। जस्ट राइट नाउ कम इनसाइड द गार्डन एरिया। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए गार्डन भी है, एंड आप यहाँ पे थोड़ा एंजॉय भी कर सकते हैं फैमिली के साथ आके, यहाँ पे बैठ के कुछ टाइम स्पेंड करके। देखिए छोटे बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये शिवपिंड है, गाइज दिस इज द व्यू ऑफ आउटसाइड ऑफ द टेम्पल फ्रॉम द गार्डन एरिया। लुक एट दिस, इट्स लुक लाइक दिस। इट्स जस्ट रीडेवलप कंस्ट्रक्शन, तो लोग अपने फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं देवी माँ के दर्शन के साथ। एंड दिस इज माई निसी एंड नेफ्यू, हाय नव्या लड्डू। My mother and father. ये देखिए दोस्तों, hey, hi, say hi. They are enjoying here so much. You are having fun? मजा आ रहा है आपको? हाँ। तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे एंड बड़े बुजुर्ग सभी आके यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं, एंड साथ में देवी माँ के दर्शन भी होते हैं एंड फैमिली टाइम भी स्पेंड होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड अब मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको नदी दिखाऊंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं आपको नदी का व्यू दिखाऊँ, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए, मैं अभी यहाँ पे, पहले ये कंपाउंड वॉल नहीं था दोस्तों, पहले ये ओपन एरिया ही था। यहाँ पे पहले के जब मैं छोटी थी तो काफ़ी सारी गांव की औरतें आके यहाँ पे कपड़े धोया करती थी इस नदी में, एंड वहीं पे सुखाती थी रेती पे, इतना अच्छा लगता था दोस्तों। और अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है, देखिए पहले ये नदी काफ़ी बड़ी थी एंड बहुत क्लीन थी, बट अभी आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी भी दिख रही है मुझे, मैं खुद बहुत साल बाद देख रही हूँ। एंड बहुत सारे पेड़ पौधे भी उसमें
ग्रो हो चुके हैं तो उसके ब्रॉडनेस है काफ़ी कम हो गई है एंड पानी भी बहुत मुझे ख़राब लग रहा है, क्योंकि दोस्तों जब मैं छोटी थी तब मैं आती थी तो यहाँ पे पानी भी काफ़ी क्लीन था एंड घुटने तक पानी रहता था और मैं नदी क्रॉस करके हुए आती थी यहाँ पे। बट अभी वैसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे यहाँ का नज़ारा, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड दिस इज़ अ व्यू फ्रॉम रिवर साइड टेम्पल। दोस्तों समय के साथ काफ़ी कुछ चेंज होता है, ठीक वैसा ही है। फ्रेंड्स अभी देवी माँ के दर्शन हो गए हैं एंड हमने अभी कुछ फैमिली क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया एंड अभी हम अभी घर के लिए निकल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों अभी हम दूसरी तरफ से बाहर आए हैं, हम जाने के बाद उस साइड से गए थे, अभी ऐसे गोल घूमते हुए बाहर आए हैं एंड सेम वही एरिया है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ टाइम स्पेंड करके एंड दोस्तों अगर आपको आना हो तो ज़रूर आइए देवी माँ के दर्शन के लिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। फाइनली दोस्तों देवी माँ के दर्शन हो गए हैं एंड अभी मैं अपने फैमिली के साथ घर के लिए रिटर्न निकल रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा एंड आपने देवी माँ के दर्शन भी किए एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह दर्शन के लिए आए आपके फैमिली के साथ एंड दर्शन लें। तो दोस्तों मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह के नए नए ब्लॉग्स देखने के लिए एंड प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू से बाय विथ दिस ब्यूटिफुल व्यू। Bye friends, see you again in next vlog.